हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संतोष अग्रवाल। आई एम अ यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। इस वीडियो में मैं यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के बारे में बात करूंगा। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर एक यूरोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी कॉमन कैंसर है। तो जो सबसे कॉमन कैंसर यूरोलॉजिस्ट देते हैं उसमें ब्लैडर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, ये दोनों कॉमन कैंसर हैं। जब भी यूरिन ब्लैडर कैंसर डायग्नोज होता है तो पेशेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और जिनका वह आंसर ढूंढने का कोशिश करता है, और यूजली डॉक्टर से बात करने में ये आंसर मिलना मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैडर कैंसर क्या होता है और कैसे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं और किस किस टाइप का होता है। तो बेसिकली जो हमारी पेशाब की थैली होती है या यूरिनरी ब्लैडर होता है, अगर उसमें कोई भी गठान पैदा होती है तो उसको यूरिन ब्लैडर कैंसर बोलते हैं, अनलेस कि हम प्रूव कर दें कि वो नॉर्मल नहीं है। इसके लिए पेशाब के रास्ते दूरबीन से TURBT, इसको हम ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर का ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन करके उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। अगर छोटा ट्यूमर है तो उसको पूरा निकाल लिया जाता है, अगर बड़ा ट्यूमर है तो उसका सैंपल लिया जाता है और डीप कट्स लेके डीप बायोप्सी ली जाती है, तो उसको जाँच के लिए भेजा जाता है। उससे हमें पता चलता है कि वह किस प्रकार का कैंसर है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, स्टेजिंग क्या है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। फॉर ट्रीटमेंट पर्पज जो ब्लैडर कैंसर होते हैं वो हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं या तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एक सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर, जिनको नॉन इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर कहते हैं, मतलब ऐसा कैंसर जो ज़्यादा अंदर नहीं गया हुआ है। दूसरा होता है कि मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर, मतलब ऐसा कैंसर जो मसल्स में जा चुका है। और तीसरा हम बोल सकते हैं मेटास्टेटिक ब्लैडर कैंसर, मतलब ऐसा ब्लैडर कैंसर जो शरीर में फैल चुका है। तो जब भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले स्टेजिंग वर्कअप किया जाता है, सबसे पहले सोनोग्राफी यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है, इसके अलावा सीटी स्कैन या पेट स्कैन किया जा सकता है, इसलिए पता चलता है कि इन सारी चीज़ों में कौन सा कैंसर है। जो स्टेजिंग जो हम यूज करते हैं उसको हम TNM स्टेजिंग बोलते हैं, टी फॉर ट्यूमर, एन फॉर नोड्स मतलब लिम्फ नोड, एम फॉर मेटास्टेसिस मतलब कि कहीं बीमारी कहीं और तो नहीं फैली हुई है। इससे पता चलता है कि कैंसर की स्टेज क्या है। टी में भी इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पेशाब की थैली है उसमें अलग अलग लेयर रहती है, अंदर की एपिथीलियम की लेयर होती है, फिर मसल्स होती हैं, उसके बाहर का फैट होता है, फिर उसके और बाहर का लेयर। तो डिपेंडिंग ऑन कितनी डेप्थ में ट्यूमर गया है उसको हम T1, T2, T3 या T4 बोलते हैं। अगर वह ऊपर ही है, सुपरफिशियल कैंसर है, तो T1 ट्यूमर बोलते हैं। T1 ट्यूमर को हम सुपरफिशियल या नॉन इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर कहते हैं, लेकिन मोमेंट वो ब्लैडर की मसल्स में चला जाता है तो वो इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर हो जाता है। और सुपरफिशियल और इन्वेजिव में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंट होता है। तो T1 सुपरफिशियल होता है, मतलब नॉन इन्वेजिव होता है, T2 और उसके ऑनवर्ड जो होता है वो इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में आते हैं। T2 में मसल इन्वेड होती है, T3 में मसल के बाहर ही ट्रीटमेंट चला जाता है, और T4 में आसपास के भी जब अंग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लेटरिन का रास्ता या पेशाब की रास्ता, अगर ये सारे इन्वॉल्व है तो उसको T4 या बोन इन्वॉल्वमेंट हो गया तो T4 ब्लैडर कैंसर कहते हैं। ऐसे N1, N2, M1, M2 ऐसा भी होता है। N1 मतलब जो आसपास के लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको N1 बोलते हैं, अगर दूर के लिम्फ नोड्स नॉन रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं, जैसे कि पेशाब की थैली के आसपास के लिम्फ नोड इधर होंगे और जो दूर के लिम्फ नोड होंगे पेट में होंगे, तो अगर पेट के लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं तो N2 बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम TNM स्टेजिंग करते हैं और ये देखते हैं कि कैंसर कैसा है। जब दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हो जाता है, जिसको हम TURBT कहते हैं, तो बायोप्सी रिपोर्ट आती है तो उससे हमें पता चलता है कि यह T1 ट्यूमर है कि TT ट्यूमर है, या लो ग्रेड ट्यूमर है या हाई ग्रेड ट्यूमर है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसको हम क्लासिफाई करते हैं। जो लिम्फ नोड स्टेजिंग होती है वो हमको सीटी स्कैन या MRI करके या पेट स्कैन करके पता चलती है। अगर हमें यह सस्पिशन है हिस्ट्री पे या एग्जामिनेशन पे कि कैंसर फैला हुआ है, तो वह भी सीटी स्कैन या पेट स्कैन कराने पे पता चल सकता है। तो जब ये सारी स्टेजिंग हो जाती है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट का एक ब्रॉड ओवरव्यू दूं, तो जो नॉन इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर रहते हैं उनमें हम पेशाब के रास्ते दूरबीन द्वारा पूरा ट्यूमर निकाल देते हैं। कई बार 2-3 हफ्ते बाद दोबारा से ऑपरेशन करके उसको चेक करते हैं कि पूरा निकला है कि नहीं, और जब भी ऑपरेशन करते हैं पेशाब की थैली में एक दवाई डाल देते हैं जिसको हम इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी कहते हैं। अगर ये कीमोथेरेपी जो होती है कैंसर के जो रिकरेंस है उसको कम करती है। दूसरा, अगर मान लीजिए T2 ट्यूमर आता है, T2 मतलब अगर मसल में जा रहा है, तो फिर इसमें पूरा ब्लैडर निकालना पड़ता है, और जब पेशाब की थैली पूरी निकाल लेते हैं तो उस ऑपरेशन को हम रेडिकल सिस्टेक्टमी कहते हैं। यूजली ये T2 या T3 ट्यूमर में काम आता है। अगर ये बीमारी पूरी फैली हुई है, जैसे हड्डी में गई है या लिम्फ नोड्स में गई है,
तो फिर इसको मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। तो इसमें कीमोथेरेपी दी जाती, ऐसी स्थिति में सर्वाइवल भी अच्छा नहीं होता है। ब्लैडर कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जब भी डायग्नोज होती है या पेशाब में खून आता है या इसके सिम्टम्स होते हैं, तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए और जैसा डॉक्टर बोले उसको फटाफट फॉलो करना चाहिए। सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर या नॉन इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर, जिसमें कैंसर ऊपर ही रहता है, ऑपरेशन के बाद हर हफ्ते 6 हफ्ते तक उसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं, कैंसर वाली दवाइयाँ डाली जाती हैं या BCG वाली दवाइयाँ डाली जाती हैं, या कौन सी दवाई डाली जाएगी यह आपका डॉक्टर आपके रिस्क फैक्टर को देख के डिसाइड करता है कि आप माइल्ड रिस्क में आ रहे हैं कि इंटरमीडिएट रिस्क में आ रहे हैं कि हाई रिस्क आप रिकरेंस में आ रहे हैं। अगर सिर्फ ऑपरेशन करके छोड़ दिया जाए या दवाइयाँ ना दी जाएँ तो ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट में 1 साल के अंदर रिकरेंस होती है। ये सब दवाइयाँ रिकरेंस को या दोबारा कैंसर होने के चांसेस को कम करती है। अगर कैंसर अगर पेशाब की थैली में अंदर जा रहा है, T2 ट्यूमर है, तो फिर रेडिकल सिस्टेक्टमी की जाती है, उसमें ब्लैडर निकाला जाता है और आसपास के लिम्फ नोड की ग्रंथि भी निकाल दी जाती है। और जब पेशाब की थैली पूरी निकाली जाती है तो पेशाब का रास्ता कहाँ से बाहर निकलेगा शरीर से वो अलग बनाया जाता है। तो इसमें 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं जब भी रेडिकल सिस्टेक्टमी की जाती है। पहला ये होता है कि नियो ब्लैडर बना देते हैं, जो हमारी आंतें होती हैं, आंतों से नया ब्लैडर एक कॉन्फिगरेट किया जाता है गोल ऐसा, और उसको पेशाब के रास्ते से जोड़ दिया जाता है। ये मेजर ऑपरेशन होता है, इसमें एडिशनल 2-3 घंटे लगते हैं। तो वो नियो ब्लैडर बनने के बाद आप पेशाब नेचुरल तरीके से करते हैं, हालांकि ये नेचुरल ब्लैडर नहीं होता, नेचुरल सेंसेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें इंटेस्टिन से बनता है तो सेंसेशन आती नहीं, तो आपको सीखना पड़ता है यूरिन पास करने, या तो अपने हाथ से नली डाल के, जिसको हम CIC बोलते हैं, पेशाब की थैली खाली करनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन होता है नियो ब्लैडर के अलावा, ये होता है कि एक अलग से यहाँ पे पाउच बना दिया जाता है, जिसको IVL कॉन्ड्यूट ऑपरेशन कहते हैं। इसमें आंत का ही छोटा टुकड़ा लेके दोनों किडनी की नलियाँ होती हैं उसमें दौड़ी जाती है और एक एंड को बंद कर दिया जाता है और दूसरा एंड यहाँ से निकाल दिया जाता है। आपको लाइफ लॉन्ग पाउच लगाना पड़ता है, वो भी बहुत अच्छा ऑपरेशन होता है। शुरू में देख के ऐसा लगता है कि कैसे लाइफ होगी, क्या करेंगे, बट लोगों का एक्सेप्टेंस काफ़ी अच्छा रहता है, लोग हैप्पी रहते हैं। फ़ायदा ये रहता है कि ऑपरेशन आसान होता है, और जो ऐसे पेशेंट जिनमें हाई रिस्क है ऑपरेशन के, जिनमें लंबी सर्जरी नहीं की जाती, IVL कॉन्ड्यूट ऑपरेशन एक बहुत अच्छा ऑपरेशन होता है। तीसरा एक ऑपरेशन होता है कि कॉन्टिनेंट कुटेनियस ऑपरेशन। उसमें क्या करते हैं कि जो थैली तो बनाते हैं लेकिन पेशाब के रास्ते ना जोड़ के यहाँ से एक छोटा सा होल करके निकाल देते हैं। तो वो पेशेंट हर 3-4 घंटे में जब थैली जो रहती है, पाउच जो होता है, भर जाता है, उसमें 3-4 घंटे में नली डाल के पेशाब का पाउच खाली करता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंस क्यूटेनियस डायवर्जन। तो 3 ऑप्शन ब्लैडर निकालने के बाद होते हैं। मेटास्टेटिक डिसीज है तो यूजली सर्वाइवल अच्छा नहीं होता, इसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, इसमें कीमोथेरेपी के बाद जितनी लाइफ प्रोलॉन्ग की जा सकती है की जाती है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उनमें 70% पेशेंट जो होते हैं नॉन इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर होते हैं, मतलब ऊपरी होते हैं, बट 25-30% इन्वेजिव होते हैं, जिनमें तुरंत ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और जो नॉन इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर होते हैं 70% जो ब्लैडर कैंसर, उनमें 25-30% वो विद इन अ ईयर वो प्रोग्रेस कर जाते हैं कि वो इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको रेगुलर फॉलोअप मेंटेन करें, जब भी डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुलाए या सिस्टोस्कोपी के लिए बुलाए आपको जाना चाहिए। तो यह एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है कि था तो यह एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि ब्लैडर कैंसर क्या होता है और कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, और सुपरफिशियल या नॉन इन्वेजिव डिसीज़ क्या होती है, इन्वेजिव डिसीज़ क्या होती है, और मेटास्टेटिक डिसीज़ कैसी होती है, और क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें समझ में आएगा, बट मेरी यह कोशिश है, और भी आगे मैं ब्लैडर कैंसर के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।